नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं। आइए आप देखिए, आपके घर में अगर थोड़ा सा चावल बचा है तो झटपट नाश्ते के लिए आप थोड़ी सी सब्जियां अगर घर में पड़ी हो तो आप बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कढ़ाई हम रखे हैं और इसमें एक चम्मच घी डाले हैं। आप चाहें तो तेल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आधा चम्मच छोटे चम्मच से जीरा डाले हैं और जैसे ही मेरा जीरा चटक गया, इसमें छोटी साइज एक प्याज बारीक कटा हुआ डाल दिए। और इस समय मेरा गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई है, क्योंकि हमें हाई फ्लेम पे ही जब भी सब्जियां बनाना है इसमें के लिए तो हाई फ्लेम पे ही बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्याज हम डाल दिए हैं। अब इसके बाद इसमें एक बड़े साइज छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट के हम गाजर डाल दिए। उसके बाद थोड़ा सा मटर है, हरा मटर, बाकी एक छोटे साइज शिमला मिर्चा है। और इन सारे चीज़ों को हम फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा हम चेक कर ले रहे हैं, मटर हमारा हो गया है। अब इसमें चावल हम डालते हैं। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम हाई है। चावल डालने के बाद हमें दो चार बार इस तरह से चला देना है और बिल्कुल आराम से चलाना है, ताकि हमारा चावल जो है टूटे ना। उसके बाद हम नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। और इस समय गैस थोड़ा सा हम धीमा किए हैं। चिली सॉस है एक चम्मच, आप चाहें तो हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। सोया सॉस है थोड़ा सा, ध्यान रहे कि जब चावल हम डाल दें तभी सोया सॉस का यूज करें। उसके बाद धनिया की पत्ती डाल देते हैं। और गैस को ऑफ करते हैं। इन्हें प्लेटिंग कर दिए, आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थोड़ा सा धनिया की पत्ती ऊपर से डाल दे रहे हैं। नींबू का रस है,